गुड मॉर्निंग चिनारियंस, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। और जरूर आप अपना वर्क रेगुलर कर ही रहे होंगे क्योंकि आपकी मामा आपको कराई रही होगी। आज हम एक बार हिंदी में फिर से स्वर रिविजन करेंगे, अ से ऊ। अब आप ये सोचे होंगे मैम ने ऊ लिखा है, ऊ तो हमने सीखा ही नहीं है। कोई बात नहीं, आज हमें आपको ऊ सिखाना है। मैं आपको आज बताऊंगी कैसे थ्री लाइन्स में हम ऊ लिखते हैं, लेकिन उसके पहले हम एक बार प्रीवियस रिवीजन करेंगे अ से बड़ी ई तक। ओके, तो स्टार्ट करते हैं रिवीजन। स्टार्टिंग करेंगे भी अ से अनार, अ से अनार। ये देखो अ से अनार, अनार लाल लाल अनार, मीठा मीठा अनार, अनार अच्छा लगता है ना। आ से आम, आपको पता है आम ना फलों का राजा होता है, तो अ से अनार, आ से आम। छोटी ई से इमली, खट्टी खट्टी इमली। और बड़ी ई से ईक, एक बार फिर से करेंगे अ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ई। और ऊ से उल्लू। अब हम सीखेंगे कैसे हमें इन फाइव लाइंस की कॉपी में थ्री लाइंस में किस तरह से हमें ऊ बनाना है और लाइन को टच कर करके अक्षर लिखना है जिससे कि आपकी राइटिंग बहुत सुंदर हो। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप थ्री डॉट्स अपनी मामा को बोलोगे बनाने के लिए। ये देखिए मैंने लाइंस में थ्री डॉट्स बनाने हैं। ठीक है, हमें ये वर्क फोर टाइम्स करना है। सबसे पहले इस डॉट से जॉइन करके हम नेक्स्ट डॉट पे आएंगे और कर्व बनाएंगे टू टाइम्स और ऊपर एक स्लीपिंग लाइन, तो बन गया हमारा ऊ। फिर से हम एक बार करेंगे, डॉट से दूसरी डॉट को जॉइन करके ऊपर स्लीपिंग लाइन, उसे उल्लू। ये देखो ऐसे करके, ऐसे बहुत ही इजी है। और अब तो आपको आई क्या होगा, उसे उल्लू। ठीक है, लेकिन आज ये वाला वर्क हम अपनी कॉपी पे नहीं, आज हमें ये वाला वर्क अपनी बुक में करना है। आप सबके पास ये वाली बुक होगी, ये वाली बुक है ना हिंदी अक्षर लेखन, उसमें पेज नंबर 15 आपको आज करना है, पेज नंबर 15। और पेज नंबर 15 का ओनली 1, 2, 3, 4 लाइन्स, बस इतना सा ही तो वर्क है। 1, 2, 3 एंड 4 इसमें फॉर्मेशन है, कैसे आपको डॉट्स को टच कर करके अक्षर बनाना है। तो ये वर्क आज आपको अपनी बुक में करना है विद मामा की हेल्प। चाहो तो आप मामा की हेल्प नहीं भी ले सकते क्योंकि अब तो आपको आ गया है, और अच्छी तरह नीट एंड क्लीन बुक में वर्क करना है। ओके किड्स, देन बाय बाय। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपको कल मैंने बताया था ना कि ऊ की आपको ऊ कैसे लिखना है, छोटा ऊ, उसे उल्लू। आपने अपने बुक में वर्क किया भी होगा। आज हम फिर से बुक का वर्क करेंगे। हमारी बुक का क्या नाम है, हिंदी अक्षर लेखन, और पेज नंबर 15। आपने कल किया होगा फोर लाइंस अपनी बुक में, आज वही सेम वर्क हमें रिवाइज करना है लेकिन नेक्स्ट के थ्री लाइंस में विथ डॉट। पता है ना डॉट कैसे बनेगा, 1, 2, 3। ये देखिए ऐसे डॉट्स बनाकर मामा की हेल्प भी ले सकते हो और आप खुद भी कर सकते हो। आपको टू टाइम्स ऐसे कर्व करना है और नीचे पर स्लीपिंग लाइन, ऐसे टू टाइम्स करके स्लीपिंग लाइन। इस तरह से आपको घर में प्रैक्टिस करनी है। ठीक है किड्स, तो इसको ज़रूर से करिएगा वर्क को अपना, और ये पेज आपका आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, बाय बाय।